चलिए, आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप का। पहला लाभ हान, मतलब लाभ हान नियोजन खाता। इधर देखो, लाभ हान नियोजन खाता हमारा है क्या, इसका बेस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिएगा। ये लाभ पार्टनरशिप का फाउंडेशन जो कोर्स होता है, सबसे बेस होता है, इसके दम पर हम ही सवाल करेंगे। यदि सवाल आपको करना है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपसे, यदि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से आपको पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेशन के मीनिंग या डिफिनीशन, कभी भी कुछ बोल सकता है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है पीएल की तरह काम करता है, जिसे लाभ हानि खाता कहते हैं। इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर एग्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। दूसरा चीज़, इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या आता है, आपके सामने लिखा हुआ डेबिट पक्ष में, जैसे आपका लिखा हुआ नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस। इधर कमी आती है प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। ये सारी इसी तरह क्रेडिट या थ्योरिकल पार्ट्स के यूज हुआ। अब हम बात करेंगे आज हम न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में सबसे पहले लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी वर्ड में लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। अब हम एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे, आप उसको चर्चा करके आप लोग क्लियर रखें। पहला नेट लॉस, नेट लॉस बीडी, इसका मतलब होता है ये नेट लॉस बीडी और नेट लॉस प्रॉफिट, दोनों चीज़ आपको शब्द मिलेगी, या नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट बीडी मिलेगा, इसको आप ढूंढने की जरूरत नहीं, ये आपको लिखा मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको रिकॉर्ड रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़ हमारे पास, पहला क्लियर हुआ नेट मतलब होता है नेट लॉस बीडी क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कौन कितना साझेदार पार्टनर है, जैसे मान लीजिए पी वी और एन, ये तीन पार्टनर हैं, इन्होंने लगाया 10,000, 8,000 और 6,000, जैसे हमारे 10,000, 8,000 और 6,000, इन्हें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको दिया रहेगा। पूंजी दी है आपको और पूंजी पर ब्याज, तो निकालते बन जाएगा सबसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का परसेंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, कई परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, ध्यान रखना। ये कब दिया जाता है? जब क्वेश्चन में आप नॉन डेट रूल्स, जब आप ओरल एग्रीमेंट, दो प्रकार के होते हैं, ओरल और रिटेन। रिटेन की बातें सभी हो रही थी, ओरल में जब आप कभी लगाएंगे सवाल, जब कभी ऐसा होता है, तब आपका क्या होता है 6% दिया जाता है, कई परसेंट 6%, यह सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपका सैलरी, सैलरी क्या होती है? सैलरी आपको मंथली या ईयरली दी जाएगी। किस व्यक्ति को सैलरी दे, उसका नाम भी डिनोट करना चाहिए, जैसे राम का दिया, श्याम का, या पारस या नितिन को, किसी को भी दिया, आप यहाँ नाम का सैलरी। सैलरी के बाद आता है कमीशन। कमीशन क्या होता है? कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कमीशन किसी भी बंदे पर, आज देखो बिजनेस डेवलप करने के लिए हर बंदा कमीशन देता है, दुकानदार स्कूल वालों को कमीशन देते हैं, आप ड्रेस खरीदते हैं तो आपका 10%, 5%, या अपने दोस्तों को ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपको 200 रुपये बढ़ा देंगे, उनका 200 रुपये बढ़ा देंगे, आपको 200 रुपये घटा देंगे, ये भी कमीशन के अंतर्गत आता है। या किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, जैसे एजेंट कहलाते हैं, एजेंट 90% जो सैलरी पाते हैं वो कमीशन होता है। देखिए कमीशन, जैसे मान लीजिए हमने बोला ये फ़ैन बेचिए, आपने बोला मान लीजिए 1,000 का फ़ैन है, तो हमने कहा आप 1,000 का बेच लीजिए, 200 रुपये हम आपको पेमेंट कर देंगे, वो कमीशन के अंतर्गत। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। बैड डेब्ट्स वर्ड हिंदी वर्ड में डूबत ऋण होता है। ये होता कैसे? आपने किसी को यदि पैसा दिया, किसी भी इंसान को आप पैसे दिए, तो पैसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे खास वैल्यू, जब आपका ये इंपॉर्टेंट आता है कि आप कुछ पैसे दिए और कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा नहीं मिला। जैसे 1,000 आप पे किया, उसमें से आपको 500 रुपये मिल गया और 500 रुपये नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिला वो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के बाद डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आप शब्द अक्सर आपसे इंट्रोडक्शन ही है इसका, मतलब हानि। डिप्रिसिएशन एक प्रकार से हानि होती है। किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी संपत्ति में आपके क्या होता है? डिप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। फर्नीचर पर लगाया जाए, हाँ, पर फिक्स एसेट्स पर लगाई जाती है। ये लिखा रहेगा कि फर्नीचर पर लगाया, मशीनरी पर लगाया, बिल्डिंग पर लगाया, टेबल पर लगाया, कुर्सी पर लगाया, ऑलरेडी सारी चीज़ें क्या हो रही, रिकॉर्ड रहेगी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमारे पास इधर कमी आएगी तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार रिवाइंड करें, पहला हमारा नेट लॉस बीडी, रिवाइज करिए आप लोग, नेट लॉस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, बैड डेब्ट्स और डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारे पास इधर आ जाती है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखो या बाय प्रॉफिट बीडी लिखो, बात एक है।
ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग में विशेष तौर पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ड्राइंग में कभी कभी आप गलत गलत वर्ड लिख देते हैं, मतलब वजह से ड्राइंग बहुत से दो प्रकार की होती है। एक होता है पर्सनल यूज करना, एक होता है मनी यूज करना। पर्सनल गुड्स रिलेटेड होगा, ध्यान रखना। जैसे वर्ड देखो, राम विथड्रा गुड्स, राम ने माल निकाला। तब आप राम ने माल निकाला तो क्या होता है, इसको रिकॉर्ड करना कंपलसरी हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको रिकॉर्ड करना कंपलसरी हो जाती है। ये बहुत विशेष तौर पर टू हमारे पास ड्राइंग, हमारे पास ये आप करने के लिखना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी बहुत होता है। तो हमारे पास ड्राइंग, हमारे पास ये हुआ, तो राम माल निकालेगा, उपयोग करेगा, तब आप क्या करेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। यदि राम ने पैसे निकाला, राम विथड्रा कैश, राम दो वर्ड ध्यान रखना, राम ने माल निकाला तब तो आप रिकॉर्ड करेंगे, राम ने माल नहीं निकाला तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैसे वाले रिकॉर्ड नहीं। इसीलिए गुड्स कोष्टक में क्या लिखा है, गुड्स मतलब होता है राम ने माल निकालेगा तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। जिस तरह से आप पूंजी पर ब्याज देते हैं उसी तरह से आप पर्सनल, ड्राइंग का मतलब समझते हैं, पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ निकाली जाए और उस पर आप ब्याज दें तो कंपनी के लिए, तो फर्म के लिए, कंपनी सेक्टर के लिए फायदा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। अब हमारे पास इधर आपका देखो बाई बैलेंस बीडी हुआ, बाई ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इधर कमी आती है तो आपका लिखा जाता है लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। अब आपका ये फॉर्मेट लगभग लगभग आपका पूरा हुआ, बात क्लियर हुआ। अब फॉर्मेट के बाद हमारे पास इसके बाद जैसे लिखा हुआ लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसमें किसी को कोई डाउट हो एक बार फिर से रिमाइंड करके हम कैपिटल अकाउंट पर बात करेंगे। हमारे पास पहला नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, बैड डेब्ट्स और डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास बाई प्रॉफिट बीडी और ड्राइंग, अब हमारे पास ड्राइंग आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर कमी आ गई तो इसका भी प्रॉफिट का भी ट्रांस कैपिटल अकाउंट में होता है और लॉस का भी ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में होता है। कैपिटल अकाउंट की बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे पास कैपिटल अकाउंट टू टाइप कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा आप। पहला फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल मतलब होता है स्थायी पूंजी, अब स्थायी पूंजी में आपको पहला वर्ड आता है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल मतलब हिंदी वर्ड में कहा जाए साझेदारी पूंजी खाता। अब हमारे पास इन दोनों का कॉलम बना लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल अक्सर आपसे पूछता है पार्टनर कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, आपको बताना चाहिए पार्टनर कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब हमारे पास ये आपका तीन कॉलम हो गए, जैसे हमारे पास सामने आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ, ये पार्टिकुलर कहलाएगा, ये पारस, विकास और नितिन आपका पार्टिकुलर, किसी भी नाम लेके पी भी या एन भी बोल सकते हैं इसको। अब आपका दो शब्द आएगा, पहला में आपको फिक्स कैपिटल में पहला पार्टनर कैपिटल, इसमें ओनली आपका कैपिटल लिखा जाता है। जो बाई शब्द होगा ध्यान रखना, बाई बैलेंस जो बीडी होता है उसमें केवल बैलेंस बीडी मतलब होता क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी बैलेंस बीडी में, कैपिटल। समझ में आया, कैपिटल आपके सामने लिखी है 10,000, 8,000, 6,000, इसी को केवल ट्रांसफर कर देना है, उसके अलावा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना है आपका लिखा हुआ 10,000, 8,000, 6,000, वही चीज़ आपका 10,000, 8,000 और 6,000 ट्रांसफ़र कर दें, यह था वो जो बैलेंस बीडी। और यहीं आपका इधर कमी आ रही है तो डिक्रीज कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, सीडी, वही 10,000, वही 8,000, वही आपका 6,000, मतलब जो चीज़ लिखा जाएगा उधर वही सेम टू सेम आपका इधर आ जाएगा, अब इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वर्ड हमारे पास, अगला शब्द हमारे पास आता है, ये पहला का पहला बन गया पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर पहले पार्टनर कैपिटल में केवल फिक्स कैपिटल लिखी जाएगी, उसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी का दूसरा अकाउंट आता है पार्टनर करेंट। पार्टनर करेंट अकाउंट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी वर्ड में साझेदारी चालू खाता।
अब हमारे पास चालू खाते में आपका क्या क्या आता है इसके टाइम से देख लीजिए। एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जिनसे पीएल अकाउंट क्लियर रहेगा, पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोफेशन अकाउंट या क्लियर रहेगा तो स्वाभाविक है आपसे आपके बन जाएगा, इसमें कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वही आपका पार्टिकुलर, वही आपका पारस, विकास, नितिन, पार्टिकुलर, पारस, विकास और नितिन, ये आपका शब्द आपके सामने है। अब याद रखिए, जो आपका टू में है वही ट्रांसफर बाई में होगा। बहुत सरल चीज, जो आपका वहाँ टू में है वो ट्रांसफर क्या होगा, बाई में। जो बाई है वो ट्रांसफर टू में हो जाएगा। कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, क्योंकि यहाँ पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट बन रहा है। तो वो जैसे आप अपना खाता बनाओगे तो केवल क्या होगा, अपना लिखोगे, दूसरे को तो नहीं लिखोगे। इस कारण से जो जो आपका उससे रिलेटेड होता है, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, सैलरी किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, कमीशन किसी व्यक्ति का, बैड डेट्स नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, और इसमें आपका इधर आपका आपका इधर सब कुछ आएगा। तो सारी चीज़ें हमारे पास क्या होता है, जो नहीं आएगा वो फर्म से रिलेटेड होता है, उसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आएगी। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं। चलिए, हमारे पास पहला शब्द यहाँ वहाँ पहला लिखा है नेट लॉस बीडी, इसको पिछले साल का है, इसको हटा दीजिए। दूसरा वर्ड हम आपके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही चीज, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा यहाँ रखेंगे, बाय आपका इंटरेस्ट लोन नहीं आएगा, बाय सैलरी, सैलरी में आपका क्या आ जाएगा, सैलरी जो पी को देगा या भी को देगा या एन को देगा, किसी को भी देगा, इसको आपके रिकॉर्ड होगा। दूसरा हमारे पास अगला का हमारे पास आता है कमीशन, इसी में आएगा, कमीशन आपका इसी में आ जाएगा। आपका कमीशन के बाद सैलरी होगा, कमीशन आपका, लास्ट में आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, प्रॉफिट आएगा। और इधर कुछ नहीं आएगा, इधर ले लीजिए, तीनों चीज़ें आपके आ जाएगी। हमारे पास तीनों चीज़ें में आपका पहला वर्ड आता है ड्राइंग। ड्राइंग में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे खास वैल्यू। दूसरी चीज़ हमारे पास आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ कोई शब्द ऐसा नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ गुड्स रिलेटेड हो या ना हो पर सब कुछ रिकॉर्ड होगा। यहाँ आपका लॉ कमी आती है लॉस, और आपका अगला अकाउंट हमारे पास होता है इधर कमी आएगी तो बैलेंस, जहाँ भी डिक्रीज कंडीशन होगी बैलेंस सीडी होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो। अब आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार से खाता में अकाउंट ना, मतलब होता है किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रहे, ये क्योंकि इसके दम पर ही हम सवाल करेंगे। यदि ये सवाल नहीं, मतलब नहीं बन रहा है, मतलब आप फॉर्मेट में कहीं ना कहीं डाउट है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा करें, जो आपका पूरे टेंस उठाए जाते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला इन नेट लॉस है तो रखेंगे, नहीं क्या करेंगे छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कैपिटल दिया रहेगा आपका, उस पर इंटरेस्ट ऑन मतलब उसके ब्याज भी दिए रहेंगे, दोनों चीज़ लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो या ना दिया हो, कई परसेंट लगाएंगे माइंड में सेट करके रखिए, बाय आर टू सैलरी मंथली या ईयरली। फिर आपका कमीशन कुछ भी हो सकता है, कमीशन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें हमारे पास कमीशन में आपका कमीशन, आप किसी पे काम कराते हैं तो ब्रोकर जो होता है, एजेंट होते हैं, उनको कमीशन के रूप में प्रोवाइड कराता है, वो आपको लिखा जाएगा। किसी में किसी व्यक्ति का ना होता है, इस कारण से नाम वहाँ ट्रांसफर हो रहा है। बैड डेट्स बता ही चुके, आपका डिप्रिसिएशन किसी भी प्रॉपर्टी संपत्ति पर है, स्थाई डिक्रीज द वैल्यू एसेट्स डिक्रीज, या प्राइस हो या आपका मूल्य हो, कुछ भी डिक्रीज होगा और डिप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट आ गया। फिर हमारे पास बाई बैलेंस बीडी, ड्राइंग हो गया, ड्राइंग कैसे बताए थे आपको, गुड्स रिलेटेड होगा तभी लिखा जाएगा वरना नहीं लिखा जाएगा। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस तरह से पूंजी पर ब्याज होता है उसी तरह आपका आरंट पर ब्याज होगा, और लॉस ये आपका पूरा ट्रांसफर हो जाता है। हमने पहला बात किया कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल, कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपिटल फैलचुटी कैपिटल, जैसे चेंजेस भी कैपिटल कहते हैं। तो हमारे फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट होते हैं, पहला पार्टनर कैपिटल, दूसरा देखो पार्टनर कैपिटल, दूसरा करंट। बात समझ आए, पार्टनर कैपिटल होगा, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में केवल क्या आती है, कैपिटल आएगी, बाय बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी,
बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी करके क्लोज कर देंगे। इधर हमारे पास पार्टनर कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या होता है बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्रॉफिट, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस और कमी आए तो आपका बैलेंस सीडी। आई बात समझ में? अब उसको, अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे खास बात जो आपको बता है उसको आप क्लियर करके रखिए। हमारे पास क्या होता है, कल हम बात किए थे फॉर्मेट पर, आज हमारी चर्चा केवल होगी फॉर्मेट के आधार पर क्वेश्चन। रिमाइंड थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोग्रेशन पढ़ा। हम पहला पार्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, बैड डेट, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें हमारे पास डेबिट पक्ष में है। क्रेडिट में दो तीन बिंदु होते हैं, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है, देखो स्वाभाविक है हमारे पास ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। ये चार चीजें करने के बाद हम लोग फॉर्मेट बनाए थे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल और वेस्ट, उसी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हम पढ़ेंगे आज जो हमारी हेडिंग है वो हमारे पास क्या लिखी हुई है, फिक्स कैपिटल। और सवाल करेंगे हम लोग फिक्स कैपिटल के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसे हम स्थाई पूंजी कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट होगा उसका हम लोग आंसर कंडीशन देखते हैं। पहली बात तो हमारे पास बनेगा हमारा फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट बनेगा वो हमारे ये बेस पर होगा। थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा, ये फॉर्मेट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रोपेशन अकाउंट, जिसे हम पार्टिकुलर अमाउंट से डिनोट करते हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग उठा लेंगे, पहला क्वेश्चन में साफ पढ़ में हमारे पास लिखा हुआ है ABC, हमारे पास या हमारे पास नाम दिया होगा, आपका नाम इसमें लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2017 को। क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 अक्टूबर 2017 को राम और कृष्णा, क्या कौन कौन दिया है, राम और कृष्णा, इसमें राम और कृष्ण दिया है, उसके क्रमशः पूंजी 10,000 और 8,000, ठीक है क्लियर। फिर 10,000 8,000 लगाकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट बोला है 10%। इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना कि इसके एक अप्रैल को स्टार्ट हुआ और एंडिंग का तारीख हो गई 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च हमारे पास, किसी में 31 मार्च दिया होगा, किसी में आपका 31 मार्च को, देखो 1 अक्टूबर 2007 को इस प्रणामा हुआ और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या दी है, 31 मार्च क्लोज हो गया, मतलब 6 मंथ व्यापार चला, कई महीना 6 महीना व्यापार चला। अब आपको तीन चीज मिला, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आप निकाल लेंगे, पहला वर्ड हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये राम और कृष्ण, इसकी 10,000 पूंजी, 10,000 का 10% और 6 मंथ 6 अपॉन 12, ये सबको क्लियर हो, कहां से आया, क्लियर हो गया। 10,000 दिया है, 10% आपका दिया है और 6/12 मतलब 6 मंथ के लिए। इसी तरह 8,000 इंटू 10/100 गुड़े 6/12 या आपका आ गया। तो पहला को हल करने में हमारे पास कितना आ रहा है 500 और इसका 400, ठीक है, दोनों क्लियर हुई। अब हमारे पास है टू सैलरी, जो सैलरी शब्द आता है, सैलरी आपको कृष्णा को दिया रहा है, कृष्णा को स्टक रखें। अब आपका 3 मंथ 6 मंथ का 18 मल्टीप्लाई कर दें। अब ये आपका, अब देखो अगला पॉइंट कमीशन, बैड डेट, डिप्रिसिएशन, अदर पॉइंट कोई नहीं है, आपको प्रॉफिट दिया है, ये आप इधर का स्ट्रक्चर लगभग लगभग पूरा। हम अगला पॉइंट में बात करते हैं बाई प्रॉफिट बीडी, 60-50 मतलब होता है, 6 मतलब होता है आपको दिया हुआ प्रॉफिट, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं, लिखा रहता है, बात समझ में आ गया सबको, ये क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है। अब हमारे पास हम दूसरा वर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शायद दिया है पर नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा, कारण इसका देख लीजिए। हम आपको फॉर्मेट में साफ वर्ड में समझाया हूं कि ड्राइंग पर्सनल विथड्रॉ गुड्स रिलेटेड होगा
मतलब होता है राम ने माल निकाला या राम ने पैसे निकाला, पैसे निकालेगा तो इसका नोट नहीं दिया जाएगा। देख लो साफ वर्ड में राम मतलब कृष्ण ने क्या कर लिया, राम और कृष्ण ने पैसे निकाला 250 रुपए पर मंथ। ये गुड सूत्र नहीं लिखा है, सवाल पढ़ लो अच्छे से, गुड सूत्र नहीं लिखा है, तो लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा है ना, इसलिए आप छोड़ दीजिए। अब उसके अलावा कुछ आने की जरूरत नहीं है, इसको टोटल कर लीजिए। इधर आपका आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमारे पास दिया हुआ है, अब इसको टोटल करेंगे 27 घटाएंगे 3350। अब इसको हम लोग रेशियो में बांटेंगे, रेशियो दिया हुआ रेशियो में बांटेंगे, ये दोनों तरफ बराबर करके रखिए। रेशियो दिया है या इक्वल दिया होगा या कैपिटल रेशियो दिया है, सबसे पहले लिखा इक्वल, तुम्हारे पास राम और कृष्ण इसको डिफाइन कर दिए 3350 डिवाइडेड 2 बराबर 1675, और इसके बाद डिवाइड कर दीजिए हमारे पास तो क्या आ जाएगा 16। ये आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला, सैलरी निकला, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि गुड्स रिलेटेड नहीं, या गुड्स रिलेटेड होता तो लिखा जाता वरना लिखने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हुई इतना सबका। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर टॉपिक है फिक्स कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास सबसे पहला कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आप बना लीजिए। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट होते हैं, पहला अकाउंट जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर कैपिटल में आपको कल फॉर्मेट में समझाया भी गया है कि आपका दो पार्टनर तो दो रखें, तीन पार्टनर तो राम और कृष्ण, राम और कृष्ण पार्टिकुलर पार्टिकुलर। इसमें केवल दो शब्द आते हैं, बाई बैलेंस बीडी जिसे कैपिटल डिनोट किया जाता है। कैपिटल आपके कितना कितना है 10,000 और 8,000, ठीक है, इसको 10,000 और 8,000, और यही चीज आप यहां ट्रांसफर कर देंगे। बाय बैलेंस सीडी वही आपका 10,000 और 8,000, इसको टोटल आपके लिए। दूसरा अकाउंट आपका पहला यहाँ पर क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं रखना है, केवल बाय बैलेंस बीडी फॉर्मेट बताया भी कि समझाया भी। अगला हमारे पास आता है करेंट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं इसमें। अब हमारे पास ये टर्म्स कंडीशन हमारे पास लिख ले, अब जो जो आपका यहां आपका टू रहता है क्लियर करिएगा, ये आपका जो टू की तरफ रहता है वो बाई ट्रांसफर हो जाता है, जो बाई रहता है वो टू ट्रांसफर होता है। पर इधर टैक्स देखा जाए तो इधर आपका टू केवल दो ही वर्ड है, तीन वर्ड है, तीनों को ट्रांसफर कर देते हैं। अब तीनों को ट्रांसफर करके हमारे पास कंडीशन क्या बन जाती है, देखो हमारे पास कंडीशन अलग अलग कंडीशन बन जाती है। इसमें हम लोग टैक्स कंडीशन देख ले सवाल में, आपको देखो इधर आगे सबसे पहले लिख लो बाई बैलेंस बीडी को इंटरेस्ट ऑन बीडी तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला कितना आया राम में और कृष्ण में 500 और 400। बाई सैलरी, सैलरी किसको पे की गई कृष्णा को 1800। प्रॉफिट किसको किसको दिया गया, प्रॉफिट किसको दिया गया 1675 दोनों लोगों को 1675। अब इधर आपका कमीशन नहीं है, न लिखने की जरूरत है, इधर आप लिख दीजिए टू ड्राइंग, ड्राइंग में आपको पर वर्ष दिया, प्रतिवर्ष का मतलब होता है, पर वर्ष नहीं पर मतलब मंथ दिया है, मंथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 और 50। ये आपका राम हुआ और ये आपका कृष्ण हुआ। अब इधर कमी आ रही है, आपका बैलेंस सीडी कहलाएगा जो कल समझाया गया था। आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 2175 हो रहा है, यहाँ 2175 माइनस करेंगे पहला का पहले से, पहले को पहले से, दूसरा हो रहा है 3875, इसको 2175 में घटा 675 आप ये आया। अब 3875 माइनस करेंगे 1500, इसको घटा लीजिए आप, ये रिकॉर्ड
आगे समझ में, हमारे पास इसमें हमारे पास अकाउंट में हमारे पास क्या है, और तो कुछ करना नहीं इसमें, बस इतना ही करना है ना। क्लियर कर लीजिए, पहले छोटी कैपिटल बनाना है तो बस ये ध्यान रखना उसमें क्या होता है, ये चीज आपका यहाँ लिख दी जाती है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सभी लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नजर डाल लीजिए। आपको क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है त्रिपाठी और चौहान, रिमाइंड करिएगा त्रिपाठी और चौहान, जिसकी क्रमशः आपका रेशियो दिया है 3:2, उसमें से हमारे पास साझे इसको 1 अप्रैल 2017 को 60,000-40,000 का व्यापार शुरू करा और 30,000 उसका लाभ है। साझेदारी संलेख दिखे, बात समझिए, विलय मतलब होता है साझेदारी संलेख के अभाव, जिसे इंग्लिश वर्ड में नॉन डेड रूल्स कहते हैं, के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, ये पार्टनरशिप शुरू की गई। अब इसमें जितने भी लिखे हैं, आपका प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, आप 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है आपका, इसके अलग अलग कारण 12,000-8,000 आपको ड्राइंग की कंडीशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% दिया है, इसके बाद बोला है लिखा है कि इसमें आपका पूंजी खाता या लाभांश खाता के अकॉर्डिंग तैयार करिए। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं, इसमें आपको दो विधियां होती हैं, जैसे इसमें यदि आपको जो शिवलाल किताब में आपका आंसर दिया है उसमें आप केवल दो ही चीज बनाना है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कैपिटल अकाउंट आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आप दूसरी विधि जो आप पहला क्वेश्चन कर चुके हैं यदि उसके अकॉर्डिंग आप सवाल हल करेंगे तब तो आपका आंसर आएगा कैपिटल अकाउंट का। यदि आपका पहले नॉन डेड रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, नॉन डेड रूल्स के अकॉर्डिंग सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% देना है, उसके अलावा कोई चीज देना ही नहीं, बस हमें क्या देना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास देखिए, तो हमारे पास आप यहाँ ध्यान रखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप इसको कर लीजिए। अब आपका बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट बनाना है और उसके अलावा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बनाएंगे तो पहला विधि अपनाना पड़ेगा, तब पहले विधि बता भी चुके हैं इसलिए आपको कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन अकाउंट, ठीक है, आपको क्या नहीं करना, वेतन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन कुछ भी नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। अब सवाल होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना है पर लोन दिया नहीं, आपको कुछ नहीं देना है, केवल आपको यह करना है आपको यह पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट बाय, हमारे पास बाय लिखेंगे प्रॉफिट बीडी 30,000 यह लिखा है, इसके बाद क्लोज कर दें, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करें, इसके बाद क्लोज करें। अब यही चीज आपके यहाँ हो जाएगी क्योंकि इधर कुछ है नहीं, वही चीज ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब 30,000 नाम क्या है, त्रिपाठी और चौहान, 30,000 और आपका इसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो बोले आप लोग थ्री रेशियो और टू, इसको डिवाइड दोनों बेट कर लिए 3/5 और 2/5, इसको हम लोग क्वांटिटी में डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास 18,000 और 12,000, ये आपका 30,000 और 30,000 हो गया सबका। आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम प्रश्न, अगला पढ़ लीजिए तीसरी क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सब लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है नाम क्या है, दो किताब को पढ़िए आप लोग, क्या नाम है, अनुभव और काव्य, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया भी नहीं, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, पसंद आए
अब आपको कुछ नहीं है आपका, जब विकसित किया आप प्रॉफिट उठाएंगे उसी तरह जैसे आप सेकंड किए प्रॉफिट बीडी, ठीक है। अब बीडी में आपका 45,000 आपको दिया है, इसको क्लोज कर देंगे, आप वही सेम टू सेम आप उठा लेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आप 45,000 को बांट दीजिए। तो आपका काजल पहला था, क्या नाम था? अनुभव और काजल, इधर देखो, दो बटे पांच तीन है। अच्छा तो रेशियो बताइए, टू और वन अपॉन टू अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने में कितना आएगा, टक्टर डिवाइड कर लीजिए आप, तीन से काटेंगे तो क्या कटेगा, पंद्रह दूना तीस और आपका पंद्रह, यह आपका आएगा 30,000 और आपका 15,000 टोटल 45,000 टोटल 45,000, ठीक है। ये चीज आपका आ गया, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और तुरंत, ये दोनों क्वेश्चन सेम कंडीशन सेम वैल्यूएशन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब हम बात करेंगे चौथा पांचवा और छठवा, कुल मिलाकर छह क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। और छह क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास सवाल उठता है कि आप पढ़िए, आपका नंबर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर फोर, जिस तरह से आप पहला क्वेश्चन किए उसी तरह से आप करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक प्रोफेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट पहला वर्ड आता है टू इंटरेस्ट ऑन, साथ इसमें आता है एक्स वाई जेड, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उसके अलावा कुछ है नहीं। नाम है एक्स वाई और जेड, क्रमशः पूंजी दी है 10,000 और फिर क्या दिया है 20,000 10,000 और 4,000। पहला आपका निकाल लीजिए 5% है तो आपका 1000 ये आ गया, 5.100 इसका करेंगे तो 500 ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो हमारे पास 200 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 1000 प्लस 500 और 200 दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 1700 क्वांटिटी सही रखते हैं। अब हमारे पास बाई प्रॉफिट बीडी, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया है देख लीजिए 1100। अब आपको कंपेयर करना पड़ता है कि 1700 और 1100 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, कमी किधर आ रही है, बाई लॉस, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास ये 1700 टोटल रखते थे, अब 1700 माइनस करेंगे 1100, अमाउंट में आकर 600 रुपये आपका लॉस है। 600 का पार्टनरशिप में डिवाइड कर लेते हैं तीनों लोगों में, थ्री से तीन लोग हैं, तीन से डिवाइड करें सब 200 पाएंगे, एक्स बराबर 200, वाई बराबर 200, जेड बराबर 200, सब लोग पा गए 200। ये सब क्वेश्चन आपका, ये आपका चौथा हुआ, इसमें आपका कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर पांचवा भी बिल्कुल सिंपल है, आप क्लियर कर लीजिए इसको। हमारे पास पांचवा नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एक प्रोफेशन अकाउंट, वही प्रक्रिया पार्टिकुलर अमाउंट। तो हमारे पास पहला वर्ड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, नाम क्या है इसमें, हमारे पास राकेश राजेश और शॉर्टकट में लिखते हैं R1 R2 और लास्ट में है अनुपम। इसकी पूंजी क्रमशः पढ़ लीजिएगा 12,000 8,000
12,000, 8,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आप रखें। फाइव परसेंट सब में रहेगा। 600 रुपए, 400 रुपए और 300 रुपए, इसको ऐड किया जाएगा तो 600 प्लस 400 प्लस 300 बराबर 1300। सैलरी कमीशन बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। बाय प्रॉफिट में आ जाइए, बाय प्रॉफिट बीटी, प्रॉफिट आपका 11,500। अब इधर कुछ नहीं, कमी किधर दिख रही है, कमी इधर आ रही है, इधर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब घटा दीजिए 10,000, 11,500 माइनस करेंगे 1300 बराबर 10,200। अब 10,200 का जो रेशियो है, रेशियो पढ़ लीजिएगा 1:2, 1:4, 1:4, तो आपका का बांटेंगे आर बराबर 10,200 मल्टीप्लाई 1:2 बराबर 5100। अब आर टू बराबर बांटेंगे 10,200 को बांटेंगे 1/4, फिर 10,200 को बांटेंगे 1/4, 25, 50, 25, 50, ठीक है। ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अगला आपका दिया है 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये 6 नंबर अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा सा, फिर हम डिस्कशन करें। इसमें आपको डिफरेंट इन दोनों क्वेश्चन से काहे का डिफरेंट है, किस कारण से डिफरेंट क्लियर करिए। अगर सभी लोग किताब खोलकर अच्छे से क्लियर करिए, लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट में दे दिए 31 मार्च 2018, क्लियर करो उधर, 31 मार्च 2018 दिए। आप समझिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या कर दिया है, 31 मार्च 2018 दे दिया। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन लगाए तो सबसे स्टार्टिंग डेट पाए होंगे आप, 1 जुलाई 31 मार्च 31 अप्रैल, मतलब एक अप्रैल सबका फर्स्ट तारीख, इसमें आपको 31 मार्च मिली। देखो सर, जब कोई चीज क्लोजिंग डेट होगी तो स्वाभाविक है आपको सबसे पहले आपको क्लोजिंग डेट को क्या ओपनिंग डेट में ले जाना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा किसी का लोन होता है तो जिस दिन डिस्पैच लोन होता है, मतलब लोन दिया जाता है, उस दिन की राशि नहीं दी जाती, ब्याज की क्या दी जाती, नहीं दी जाती, उसके दूसरे दिन से ही आपका ब्याज की दर लगती है। आपको सबको पता है लोन यदि कार आज कार फाइनेंस कराए हैं, आज से ब्याज नहीं लगेगी, कल से लगेगी, आज तो कर ही नहीं रहे, इसलिए अपडेट उसकी दीजिए 31 मार्च है। इस कारण से आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के पहले आपको रूल लगाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दी है, आपको क्या लगाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। जब तक आप ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे नहीं तब तक आपको क्या ओपनिंग स्टॉक बोलो या ओपनिंग कैपिटल बोलो, यहाँ कैपिटल बोला जाता है और स्टॉक क्या होता है, जब गुड्स रिलेटेड होता है तो स्टॉक होता है। दो सूत्र बनते हैं आपका, तो पहला सूत्र बनेगा, क्लियर करिएगा, सबसे पहले आपको बनेगा ओपनिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के प्लस आप ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, इतना सबका क्लियर हुआ। ये सूत्र लगाएंगे तो आपको क्लोजिंग दिया है, देखो ड्राइंग भी दिया है और आपको प्रॉफिट भी दिया, तीनों चीज दिया कि नहीं दिया, आप तीनों चीज दिया तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर में रख लें इसको इजीली तरीके से रन लें। आगे नाम तीन है, माउंट फिर एक मतलब होता है रॉक, माउंट हिल और रॉक तीन पर बनते हैं। अब आप इसको कंफर्म में ले लें, अब आपको यहां रखना है ओपनिंग, यहां आप ओपनिंग रख दीजिए, ओपनिंग कैपिटल सॉरी आपको क्या कर रखना है, सबसे पहले ओपनिंग निकालना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या रखेंगे, आपको देखो अमाउंट दिया हुआ है 4,000, 4 लाख है और 3 लाख और 2 लाख,
कुल मिलाकर कहा जाए 4,00,000, 3,00,000 और 2,00,000। प्लस करेंगे, एड करेंगे आप ड्राइंग। ड्राइंग में देखो क्या क्या दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग। ड्राइंग में कितना दिया है, देखो 20,000, 15,000 और प्लस लास्ट में कितना दिया है 10,000। इतना सबको क्लियर हुआ। अब आपको जोड़ लीजिए, टोटल कर लीजिए, ये आपका 3,04,20,000, 3,15,000 और आपका 2,10,000 आ गया। अब आपको लेस करेंगे प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट आपको पूरे फर्म का दिया है, सभी लोगों का कितना दिया है 1,50,000। अब 1,50,000 में ये बोला है कि सभी इक्वली पाएंगे, तो 1,50,000 में इक्वली का मतलब तीन लोग हैं, तीन से भाग दीजिए, कितना पाएंगे 50,000। मतलब एक बंदा 50,000, एक बंदा 50,000 पाएगा। लेस करेंगे 50,000, लेस करेंगे 50,000, फिर लेस करेंगे 50,000। अब आपका टारगेट क्या हुआ, देखिए ओपनिंग कैपिटल की जरूरत थी, ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं मिल गया, इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3,37,000, 3,70,000। अब आपको ये आ जाएगा 50,000 घटाना है हमारे पास 2,65,000 और इसमें 1,07,000। अब आपको पहला ये सब चीज कुछ आ गया, आपको हमें इसी की जरूरत थी। आप ओपनिंग क्लोजिंग आपको दी थी, ड्राइंग दिया था, प्रॉफिट दिया था, इस प्रक्रिया करने के बाद ओपनिंग निकले। सर वहाँ जीरो और लगेगा, कहाँ लगेगा जीरो, 2,10,000 होंगे ना सर, इधर राखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको क्या दिया हुआ है निकाल लीजिए। आगे मान लीजिए हम एच और आर, इनमें निकाल लीजिए 3,70,000 इंटू 10% तो निकालेंगे तो हमारे पास 3,70,000 आपका ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा 2,65,000 इंटू 10/100, जैसे हमारे पास 26,500 आपको ये आ गया। 16 आपको 1,60,000 आपको दिया है, 10% आप निकालेंगे आपका ये आ जाएगा 1,16,000। अब आपको ये आंसर, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बार बार ये सवाल आपको पूछता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा यह केयर करके रखिए। एक बार से फिर ओपनिंग आप सबसे पहले क्या रखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। अब हमारे पास क्लोजिंग तो हमने रख दिया पहले 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000, ड्राइंग को हमने 20,000, 15,000, 10,000 घटाए तो हमारे पास 4,20,000, 3,15,000, 2,10,000। इसमें से प्रॉफिट सभी का दिया है, पूरे फर्म का प्रॉफिट होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50,000 और 50,000 लेस करें 50,000 लेस कर दिया आपने, हमारे पास 3,70,000, 2,65,000, 1,60,000 आगे 1,60,000। इसमें से हमने केवल हमसे पूछा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में मिलेगा।